इंदौर में पूर्व क्षेत्र के दो अलग अलग थाना क्षेत्र में दो महिलाओं से दो अलग अलग बाइक सवार बदमाश चेन खींच कर फरार हो गए। दोनों ही घटनाओं में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पहली घटना तिलक नगर थाना क्षेत्र के अचल नगर की है, जहां अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर खड़ी महिला के गले से दो तोले की चेन बाइक सवार दो बदमाश खींच कर फरार हो गए। दूसरी घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन खींच ली और फरार हो गए। दोनों ही घटनाओं में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर दोनों ही थाना पुलिस चेन स्ट्रेचिंग करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। ये कल दिनांक 10 तारीख की घटना है आंचल नगर की। कल एक महिला है सीमा व्यास, जो कि अपने नए मकान के पास खड़ी थी और मकान का मुआयना कर रही थी कैसा काम हो रहा है। इसी दौरान दोपहर करीबन 2:15 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने उस महिला की चेन खींच के भागे हैं। सीसीटीवी में कुछ आया? आसपास के घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज में उनके रिकॉर्डिंग आई है और इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। कितने लोग हैं? दो व्यक्ति हैं। क्या हो गया है? ये बताया, इनकी उम्र करीबन 30 से 40 साल के मध्य होगी और दोनों ही दिखने में सांवले रंग के हैं, हष्ट पुष्ट दिख रहे हैं। महिला मतलब कितने तोला की चेन थी? महिला ने इसमें 2.5 तोला चेन है और उसमें 2 तोले का पेंडल लगा हुआ है। निर्माणाधीन मकान भी आई क्या? नहीं, इसी चोट नहीं आई। ये संत नगर में महाराणा प्रताप गार्डन के पास में कुछ महिलाएं इवनिंग वॉक कर रही थी, उसी समय एक महिला के गले में जो चैन पहने हुई थी, अचानक दो बदमाश मोटरसाइकिल से आए और चलती गाड़ी में ही गले में झपट्टा मारकर चैन छीनकर घटनास्थल से भाग गए हैं और महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। फुटेज तलाश रही है पुलिस अभी, उसकी उनकी तलाश में हम लगे हुए हैं। फुटेज के आधार से जल्दी मिलने की संभावना है।